प्रभु नारायण सिंह और पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें दिवंगत पत्रकार के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्यों को नौकरी की मांग की गई है। आगरा के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ की 2 दिन पहले हुई कोरोना संक्रमण से मौत को लेकर पत्रकार समाज में शोक की लहर है। पत्रकारों ने जिलाधिकारी आवास पर पहुंचकर डीएम प्रभु नारायण सिंह को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में दिवंगत पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ के परिजनों को फ्रंटलाइन कोरोना फाइटर की तर्ज पर आर्थिक सहायता प्रदान करने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। सर, पत्रकार हमारे वरिष्ठ उनका निधन हुआ आकाश में, सर क्या ज्ञापन प्राप्त हुआ, क्या उसमें रहेगा? इसमें जो हमारे आज आगरा के जो साथी पत्रकार थे वो लेकर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन था, उनको हम अवगत करा देंगे यहाँ से भेज करके, और जो उसमें डिमांड्स थी वो सब जेन्युइन थी, बात हुई आपके से, डिस्कशन हुआ सबसे और उस पर अग्रिम कार्रवाई की गई। डीएम आवास पर ज्ञापन के दौरान जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह की मौजूदगी के बीच सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ को शोक श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों ने भी जिलाधिकारी से पत्रकारों के हित के लिए अपने अपने सुझाव रखे। डीजी महाजन न्यूज के संपादक सैयद शकील ने भी अपना सुझाव रखते हुए जिलाधिकारी से